आदर प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। और सबसे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नमस्ते आज हमारी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जोशी अंकल जी आए हैं और शकुंतला जोशी आंटी जी आए हैं। तो आप दोनों का मैं सभी संगत की तरफ से बहुत बहुत प्यार के साथ आपका वेलकम करती हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप दोनों हमारे बीच में हैं। इतना शुभ दिन है, जैसे अंकल ने कहा, सभी को लोहड़ी की बधाइयां, सबको मकर संक्रांति की बधाइयां। और अंकल जी और आंटी जी, आपको पता है आप पुरानी संगत हैं। पुरानी संगत मतलब बहुत सालों से गुरु जी के इस रूप से जुड़ी हुई हैं। और आपको पता है कि कितने प्यार से और कितने जोश से गुरु जी लोहड़ी का पर्व मनाते थे। तो आज हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आप और आंटी जी, अंकल जी आप और आंटी जी दोनों अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो रही है वो हम सब के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हम सभी संगत जो है इससे बहुत हमें हौसला मिलता है। हमें गुरु जी के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारा विश्वास है, वो बहुत और अधिक बढ़ जाता है। और जो संगत गुरु जी के साथ काफी सालों से जुड़ी हैं, जिन्होंने देखा है कि गुरु जी किस तरह अपनी संगत के कल्याण करते हैं और करते थे और किस तरह अपना प्यार बांटते थे सभी में, तो जो संगत बहुत सालों से जुड़ी हैं उनके थ्रू हम सबको ये मोती मिलते हैं सुनने के लिए और अपने जीवन में उनको उतारने के लिए। तो अंकल जी, आंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिफोर यू स्टार्ट शेयरिंग विद अस योर जर्नी एंड योर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस विद गुरु जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप और आंटी जी दोनों गुरु जी का जो प्यारा एक वचन है कि गुरु जी ने कहा था, जब कभी परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना काम करूंगा। तो अंकल जी, आंटी जी, रिक्वेस्ट है कि आप पहले गुरु जी के इस वचन को का व्याख्यान करें अपने शब्दों में, अपने एक्सपीरियंसेस से, और उसके बाद हम सबको इंतजार है आप और आंटी जी की जर्नी का। तो बहुत वेलकम है अंकल जी और आंटी जी हम सब की तरफ से। एंड बहुत शुक्राना है सुरेश अंकल जी का भी एंड द टीम विच इज प्लानिंग एवरीथिंग, कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया बनाया है कि हम सबको ये मौका मिल रहा है ना केवल सुनने का बल्कि सभी संगत जो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं उनसे रूबरू होने का और उनको सुनने का। सो आई विल नॉट टेक एनी मोर टाइम। अंकल जी एंड आंटी जी, ओवर टू यू। जोशी अंकल एंड जोशी आंटी जी, जय गुरु जी। महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर गुरु जी की प्यारी सारी संगत को सादर नमस्कार करता हूँ। आंटी, दो तीन सत्संग मैंने, मतलब संगत जी, दो तीन सत्संग मैंने सुने थे बहुत पहले, कि एक बार एक संगत के बच्चे की किसी का अंगूठा कट गया था। बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। तो वो अंगूठा अगर एक प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर डॉक्टर के पास चला जाता तो ठीक हो जाता। उस लिमिटेड पीरियड से वो बाहर, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, फिर भी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं सर्जरी कर देता हूँ, लेकिन वो मतलब थोड़ा है मुश्किल। वो सर्जरी टेकअप करी, वो सर्जरी जो उसकी ठीक हो गई, जो जब उसका अपना टांगे वांगे खुले उसके, तो उसने कहा तो कहते भाई ठीक हो जाएगा। तो संगत ने, जो संगत थी जिनके बच्चे को तकलीफ अंगूठा काटा था, वो कहते हैं कि बस गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास है। तो संगत जी, उस डॉक्टर ने ये कहा कि आप मुझे गुरु उन अपने गुरु जी के पास ले जाइए। तो गुरु जी ने ये वो ले भी गए। वहाँ जा करके वो आदमी स्तब्ध रह गया, डॉक्टर स्तब्ध रह गया। कहते हैं कि मैंने तो उस सर्जरी में कुछ भी नहीं किया था, इट वॉज प्योरली दिस पर्सन, आपके गुरु जी, यही ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर होते रहे, इन्हीं का सारा करिश्मा था, मैंने सर्जरी में कुछ भी नहीं किया था। ये तो कुछ छोटी सी चीज है। और
एक बार ही हमारे मतलब जयशंकर आप सभी जानते होंगे, उनको भी गुरुजी ने कहा था, वो भाई बाल है डॉक्टर ने तो कुछ कर, जो कुछ करना है सो करना है, उनका हार्ट का ऑपरेशन था, अंदर तो मैं ही करना है ना, करा ले जाकर सर्जरी। थर्ड वन, एक बार ही एक गुरुजी की बहुत ही निकट की संगति जो शब्दों की सेवा करती थी, आई डोंट वांट टू नेम हिम, उन्होंने बड़ी अथॉरिटी से, नॉट अथॉरिटी, एक लिबर्टी ले ली कि गुरु गुरु महाराज मेरे जो फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोटा ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है फिर तू लोटा ले आ। वो अगले दिन लोटा ले आए, गुरुजी ने ब्लेस करके दे दिया। तो जो भी इसकी विधि थी उस हिसाब से वो काम करता रहा, आधे से आधा खिलाते रहा उनको, आधे से नहाते रहे। 2-3 महीने के बाद वो कहते हैं कि कहते हैं कि गुरु महाराज फादर साहब तो ठीक नहीं हुए, तो कहते ठीक है फिर एक और लोटा ले। अब वो आदमी उस वक्त समझ गया कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो कहने का भाव संगत जी ये है, जो करना है लोटे नहीं करना, लोटे नहीं करना था, करना तो गुरु महाराज ने, लोटा तो महाराज एक इसलिए देते थे हमें कि भाई उस महाराज के नाम में हम लगे रहें, रोटी की जो भी हम काम करते थे, मानते थे, धोते थे, पीते, उसमें तो महाराज में ध्यान रहे हमारा, और उस हिसाब से काम तो सारा लोग अपना गुरु जी ने करना था। गुरु संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ करना, अगर डॉक्टर ने भी कुछ करना है वो भी गुरु जी की ही कृपा से करना है, गुरु जी के आशीर्वाद से करना, डॉक्टर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी दी फाइनल अथॉरिटी। इसीलिए गुरु जी कह सकते कहते थे कि भाई ठीक है डॉक्टर ने अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। दिस इज व्हाट आई फील अगेन के महाराज ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो जो करना है करवाना है वो उन्हीं ने करना है, दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी, एब्सोल्युटली राइट। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज योर डे एंड इट इज आवर प्लेजर टू लिसन टू यू एंड आंटी जी। बट मेरे को भी अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है अंकल जी, कि गुरु जी की मर्जी होती थी कि कब किसी को डॉक्टर के पास भेजना है या नहीं भेजना, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है इस बात को समझने की। बट गुरुजी को पता था। मेरे पर्सनली एक बार मेरी जो पर्टिकुलर बैक की प्रॉब्लम थी, बहुत डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करा लो, बट गुरुजी ने मना कर दिया था। एंड शुक्र है परमात्मा का कि हमने गुरुजी की बात मानी और बिना डॉक्टर के इंटरवेंशन के विद टाइम एंड गुरुजीज ब्लेसिंग्स बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद देर वॉज अनदर ओकेजन जब मेरी हिस्टेरेक्टमी होनी थी। उस समय गुरुजी ना ने ना केवल मेरी सर्जरी मतलब बोला कि करनी है, उन्होंने मेरी हॉस्पिटल बदल दिया। कहाँ, हैदराबाद में होनी थी, बट हिज अकॉर्डिंग टू हिज प्लानिंग ही सेंट मी टू एम्स वहां के डॉक्टर से विदाउट गुरुजी कमिंग इन टू द पिक्चर, बट ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। वो बेशक दूर भी हूं तो हमारी जो इलनेस है वो गुरुजी कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ जब गुरुजी के आगे एक बार सर झुका दिया, हमें बस सिर्फ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उनको हमसे ज्यादा पता है। और डॉक्टर, यस सर्जरी तो डॉक्टर ही करेगी, बट वंस गुरुजी टेक्स ओवर, सो डॉक्टर के भी हाथ जो हैं गुरुजी की ही एनर्जी से चलते हैं। एंड बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। सो आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ दिस ब्यूटिफुल सत्संग जो इस गुरुजी के वचन से रिलेट करता है। सो हाँ सही एंड कह, अंकल गुरु जी महाराज अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, करने कराने वाले वही हैं, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर के पास भेजते हैं तो वही भेजते हैं, इवन देन आप तो गुरु जी करते हैं जो भी कुछ करते हैं। बहुत सही कहा, ये आपने कल सत्संग सुनाया था आंटी। एक तो मैं पहले नॉर्मली भूल जाता हूँ, आप मेरा प्रणाम अपनी मदर इन लॉ को और मदर को जरूर दे देना, इट वॉज रियली मिसमेराइजिंग यस्टरडे, अभी हम तो मंत्रमुग्ध हो गए थे, तो मेरी आपसे शुक्रिया मेरे अंकल, बहुत शुक्रिया। मैं जरूर कन्वे कर दूंगी को। सुरेश अंकल ने भी मुझे कहा था कि लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड, ये भी गुरु महाराज की कृपा है। देखो एट 90 एंड 92 वो सत्संग करा रहे हैं, सो आई मीन दिस इज टोटली इन हिज कंट्रोल। और आप मानेंगे कि नॉर्मली अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो सीनियर्स के साथ कई बार बीच में रुकना पड़ता है, बट इट वॉज गुरुजी की ग्रेस थी, गुरुजी की मर्जी थी, बिना रुके दोनों रिकॉर्डिंग्स एकदम हो गई और बहुत और बढ़िया हो गई। सच सच पीपल नेवर ग्रो ओल्ड, नेवर ग्रो ओल्ड, यू
यस यस हाँ जी ठीक कह रहे हैं अंकल जी। और वो आई थिंक आई विल नाउ एनीवे यस अंकल जी आई थिंक आई विल नाउ रिक्वेस्ट यू एंड सभी संगत वेट कर रही है आपका और आंटी जी का की जर्नी गुरु जी के साथ सुनने के लिए। सो आई विल नाउ हैंड ओवर टू यू एंड आंटी जी। थैंक जय यू गुरु थैंक जी। यू आंटी। सबसे पहले तो मैं अगेन आप सबका लोहड़ी लोहड़ी की सबको मुबारक देता हूँ। कंप्लीट संगत को जो भी जहाँ जहाँ है हम दोनों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके बाद महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्राना करता हूँ जिनके जिनके माध्यम से हम यहाँ पर हम सत्संग करने का हमें मौका मिल रहा है। इसके अलावा उस घड़ी का संगत जी बहुत शुक्राना करता हूँ जिस घड़ी गुरु महाराज के चरणों में हमारा मत्था टेका और गुरु महाराज ने हमें परमिशन दी। परमिशन ही दी मैं उनकी आज्ञा उनकी आज्ञा के बिना तो कोई मत्था उनके यहाँ चरणों में टेक ही नहीं सकता। मत्था टेक गया मीन्स यू आर ब्लेस्ड। संगत जी हमारे लिए तो वो है कि दो तीन चीजें दो तीन शब्द जे तू ना फरदा साड़ी बाँ असा मर जाना सी तो और कुर्बान जावे उस वेला सुहाई जब तुम्हारे द्वारे आया। तो ये सब चीजें हमें तो वो घड़ी सबसे अच्छी लगती है जब महाराज ने हमें बुलाया और ब्लेस किया। मेरे ऑफिस के अंदर संगत जी एक मतलब मेरे बेटे समान एक बंदा था जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि जोशी जी ऐसे ऐसे गुरुजी बैठते हैं एम्पायर स्टेट में आप हमारे साथ चलोगे क्या। तो मेरे मुंह से एक बार भी संगत जी ना नहीं निकली। मैंने कहा कोई अच्छा दरबार है अच्छी जगह है तो हम जरूर जाएंगे। और हम वहाँ पर वो हमें अपने मुझे अपनी गाड़ी में ले भी गया नेक्स्ट डे। और वहाँ जब देखा तो रियली वहाँ का सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि सब कुछ नया नया था और इससे ज़्यादा उस बंदे ने कुछ बताया भी नहीं था कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सब कुछ भी नहीं बताया था ना हमें पता था कि क्या वहाँ पर होता है। लेकिन अच्छा दिमाग में हमारे कोई लालच नहीं था कोई के भी कोई हमें कुछ मांगना है। मैं यही नहीं पता मैं किस किस वजह से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। और ये स्थिति आप संगत जी कोई नहीं मानेगा ये स्थिति हमारी करीबन 3 साल जब तक गुरु जी ने चोला छोड़ा तब तक ही रही। और हम वहाँ पर बिना किसी लालच के बिना किसी मांग के जाते थे। और यही मतलब वहाँ अच्छा बहुत लगता है। गुरु महाराज का ऑरा गुरु महाराज की जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। वही हमें वहाँ पर खींच के ले जाता था इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। कभी सत्संग भी सुनते थे तो दिमाग में ये नहीं आया कि भी हमारे पास जो कोई एक समस्या से हम गुजर रहे थे उस वक्त कि महाराज से ऐसी कोई मांग कर कुछ कह दे नहीं कुछ भी नहीं ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। क्योंकि करने कराने वाले सोचवाने वाले तो वही हैं। देखो फिर मैं अब आपको अपनी कुछ जो महाराज ने ब्लेसिंग दी जो हम पर परिवार पर ब्लेसिंग करिए उसके कुछ चीजें कुछ बताऊंगा। उससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि संगत जी क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरु महाराज के स्वरूप गुरु महाराज की विजन गुरु महाराज के सत्संग सॉरी स्वप्ने जो आते हैं इनको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये साक्षात गुरु महाराज होते हैं और बिल्कुल सच होते हैं। और दीज आर ऑल ऑफ ब्लेसिंग। आपको सपने में कुछ भी दिख जाए गुरु महाराज के प्रति उनका फोटो दिख जाए या कोई बड़े मंदिर दिख जाए तो वो आप सच मानिए कि हाँ ये गुरु महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे तो सारी सारी ब्लेसिंग इन्हीं के माध्यम से आई क्योंकि डायरेक्ट मेरी कभी गुरु से कोई बात हुई नहीं। अब मैं आपको शुरू से एक एक करके छोटे छोटे सत्संग सुनाता हूँ बाद में बड़े सुना दूंगा। सबसे पहले मैं परेशानी के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा था। मुझे एक विजन दिखती है कि मैं पढ़ा हूँ विजन इट वाज ना मैं सोया हुआ था ना मैं जगा हुआ था। विजन दिखती है कि मेरे बाई साइड के अंदर काफी मतलब जानवर आ रहे हैंगे जिसमें गधे घोड़े मतलब गाय बैल सब आ रहे हैं। और मैंने काफी सालों पहले सुना था कि भाई ये सब बहुत पहले कम से कम 40 साल पहले सुना था कि ये ठीक नहीं होते ये सब मुसीबतें होती हैं और ठीक नहीं होते बिल्कुल भी। मैं परेशान हो गया सब उस विजन में ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो उसी वक्त राइट साइड में संगत जी मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कोबरा आ रहा है बिल्कुल काफी बड़ा कोबरा। उसने अपना जो हुड था फंड मेरे आगे उठा दिया और मैं उसको देखता देखता रहा कि ये क्या हुआ। तो इमी थोड़ी सी देर के बाद उस हुड के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग अपीयर हो गया और
देखते देखते उस शिवलिंग में बहुत पीले चोले में इतने प्यारे गुरुजी वहां उसमें अपीयर हुए कि मैं आपको कुछ मतलब बयान नहीं कर सकता। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी खुद देखता है वही मैं बयान कर वही महसूस कर सकता है। ही कैन टू एक्सप्रेस सेम वे। तो दैट वॉज द फर्स्ट ब्लेसिंग जो मैंने प्राप्त की। और जिस समस्या से मैं गुजर रहा था विश्वास कीजिए मेरी वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे नोट के एकदम धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। दैट वॉज क्लियर इंडिकेशन कि तेरे पास मुसीबतें तो आ रही हैं बट आई एम देयर विद यू, आई एम स्टैंडिंग बाई यू। और मेरा वो जो समस्या थी वो महाराज ने दूर कर दी। इसके बाद एक संगत जी 2006 के एंड में 2007 का हमें कैलेंडर मिला था। उस कैलेंडर के अंदर महाराज का एक स्वरूप था करीबन 6x12 का या 6x12 का स्वरूप था। उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, दिस वाज माय सेकंड ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने क्योंकि समस्या तो चल रही थी तो उसको कैलेंडर को मैंने क्या किया एक अलमारी के अंदर लॉक करके रख दिया और भूल भाल गया उस कैलेंडर के बारे में। और करीबन मई के महीने में 2007 के अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं चलो उसको निकाल लूँ और लगा दूँ। उसको मैंने फ्रेम करवाया जो डेट्स वगैरह काट दी। तो वो फ्रेम लगा करके संगत जी आप विश्वास कीजिए उस कैलेंडर के लगाने की देर सॉरी उस फ्रेम फोटो लगाने की देर थी। और मेरे घर में सभी कुछ पहले से ज़्यादा नॉर्मल होता चला गया। सब समस्याएं छटनी दूर छटनी चालू हो गई और मैं हैरान रह गया। मैं क्या आई वॉज फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज सुपरवाइज बाई दिस पर्टिकुलर स्वरूप। महाराज ने सबसे सुपरवाइज कर रहे हैं और एक एक करके मेरी जो मुश्किलें दूर कर रहे हैं। दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इनके प्रति ये हो गया कि कुछ है देयर स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैलेंडर। तो उसके कुछ दिन के बाद मैं अपना संजीव मैंने यह उनके यहाँ उनके घर में गया सत्संग के लिए। वहाँ मैंने देखा कि भाई वही स्वरूप जो कि बहुत छोटा था और उन्होंने अपने मंदिर के सेंटर में लगा रखा। मैंने देखा मैंने दिमाग में आया कि भी बड़ी बड़ी फोटो महाराज के इधर उधर लगे हुए लेकिन ये एक छोटा स्वरूप ये बिल्कुल सेंटर में लगा रखा है। मैं कहा जरूर कोई ना कोई बात इनके यहाँ भी है। तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं बड़े मंदिर के अंदर देखा वो आंटी मिल गई वहां पर मोनिका मैंने आंटी मिल गई। मैंने शी वॉज इन हर सेरेमोनियल ड्रेस कोई उनकी सेरेमनी थी। मैं वहां से उनसे पूछा बेसमेंट में लंगर होता था और लंगर में जीने से नीचे उतरते थे वहां वो मिले। और मैंने उनसे पूछा मैं कहा आंटी एक बात बताओ आपके मंदिर में छोटा सा एक महाराज का स्वरूप फ्रेम किया हुआ रखा वो वहीं रखा बाकी फोटो आपके सब इधर उधर हैं बड़े बड़े महाराज की फोटोएं लगी हुई हैं। तो कहते अंकल आप उस फोटो की बात ना पूछिए वो फोटो कहते ना कि हमें जब मिला परेशानी चल रही थी और हमने वो अलमारियां बंद करके रख दिया था और उसके बाद भूल भाल गए। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम बैठे थे तो गुरु जी कहते हैं वो जेड़ा फोटो अलमारी च बंद करके रखे है ना उन्होंने बाहर कट से ला। तो फिर नुके अचानक मैं जागी मैंने उसको फोटो को लगाया फ्रेम करा और वहां पर रख दिया। और अंकल जी वो मतलब आंटी बोलती है अंकल जी वो उस फोटो के रखने की देर थी तो मेरे घर में जो भी समस्या उस टाइम थी वो धीरे धीरे करके काफ़ी ठीक होने लगी काफ़ी पॉजिटिविटी आने लगी। और ऐसा मैं सोचता हूँ क्योंकि गुरु महाराज का तरीका होता है मतलब उनको पता है कि आने वाले टाइम में किसके साथ क्या होना आएगा। तो किस किस चीज मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ भी महाराज का स्वरूप गया होगा महाराज ने कल्याण ही किया होगा। और ऐसा दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। इसके बाद संगत जी जब बहुत कुछ सब कुछ ठीक होने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि भी हमारे घर के अंदर महाराज का सत्संग होना चाहिए। तो उन दिनों गुड़गांव के अंदर महीने में एक सत्संग होता था ये 2008 की बात है। महीने में एक सत्संग होता था और उसकी भी एडवांस में डेट लेनी पड़ती थी और थर्ड संडे को होता था। तो मैंने कमांडर अंकल से अपना डेट लेने का अंकल मन करता है कि घर में सत्संग हो तो मुझे आप डेट दे दो कब कब करवाऊँ मैं। तो उन्होंने उसी वक्त मोबाइल के अंदर सब कुछ चेक किया और कहते हैं कि आप दिसंबर में करवा लीजिए ये मई का टाइम दिस वाज द मंथ ऑफ मई 2008 दिसंबर तक बुक था। कहते दिसंबर में करवा लो आप। मैं कहा ठीक है अंकल। तो जैसे संगत जी
वो रंगोली की पैड़ियां थी वहां पर, वहीं बैठी हमने, मैंने डेढ़ ली थी वहां से। जैसे मैं थोड़ा सा ही बाहर नीचे को आया तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये सत्संग की डेट अगर मैं बेटे का रिश्ता होने के बाद लेता तो बहुत अच्छी बात होती। बस मैंने सिर्फ रिश्ते की बात करी क्योंकि वो हम भूल बात परेशानी आती थी कि वो सब भूल चुके थे कि बच्चे की शादी भी करनी है। अब थोड़ी सी परेशानियां दूर हुई तो सोचा कि फिर दिमाग में आके भी उसके बात करते तो ठीक था सत्संग। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए कि ये मई की बात है और विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मैच बेटे के लिए हमें मिल गया। दैट मीन जून के अंदर हमें वो मैच मिल गया और वहाँ वहाँ बेटे की शादी भी हुई। अब बात ये थी कि बेटे की शादी हमारे घर में जो सत्संग था, बेटे की शादी 7 दिसंबर को हुई और सत्संग 21 दिसंबर का था क्योंकि थर्ड थर्ड संडे को होता था। तो गुरु महाराज का कहना है कि तू तो सिर्फ रिश्ते की बात कर रहा था, तेरे तो बेटे की शादी ही मैंने सत्संग से पहले करवा दी। तो दिस इज हाउ गुरु जी डील्स विद अवर प्रॉब्लम। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उनको सब कुछ पता होता है और वो जो हमारे लिए ठीक होता है वो हमेशा करते हैं, जो ठीक नहीं होता उसको उनकी कोशिश होती है कि वो नहीं करें, उनके ऊपर कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ गुरु जी कर दो गुरु जी ये है नहीं। इसके बाद संगत जी मैंने कुछ हिंट लिख रखे हैं कि एक 2010 में हम कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी का हम सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज हमें ब्लेस करते हैं, जो जो संगत सुनती है उसको भी ब्लेस करते हैं। इसका एक मैं आपको थोड़ा छोटा सत्संग सुनाता हूँ कि 2010 के अंदर, 10 ही आई थिंक इट वॉज 2010 ओनली, महाराज से माफी मांगता हूँ कि अगर कहीं मेरे से टाइम की गलती हो जाए, किसी सत्संग करने थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए वही माफ करें। तो सत्संग में हम जा रहे थे तो सत्संग घर से निकलते हुए हम आंटी मेरी बोलती है कि जैकेट ना थोड़ी अच्छी से पहन जाना, ठीक से पहन जाना, हो सकता है कोई आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई सत्संग के लिए नहीं बोलता, अगर कभी करना होता तो मैं ही खड़ा होकर करता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता। तो मैंने कहा फिर नहीं फिर भी देख लो। तो हम घर से चल पड़े, जैकेट वैकेट पता नहीं मैंने बदली या नहीं बदली, बदल ली थी। तो घर से चल पड़े और वहाँ संगत जी आप विश्वास किए जैसे जैसे मैंने जोड़े उतारे ना, वहाँ पहले आदमी पुष्करणा अंकल खड़े थे। वो कहते हैं ना कि जोशी अंकल आपको आज 5 मिनट का सत्संग करना है। और मैं तो दंग रह गया, मैं घर से ही गुरु जी ने आगाह कर दिया था कि सत्संग करना है और यहाँ मुझे एकदम पता लग बता दिया गया कि सत्संग करना है। और संगत जी वो जो ओरा था उस दिन, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा किसी भी सत्संग में कि भी इतनी सुंदर, इतना सुंदर माहौल भी, इतना सुंदर एनवायरनमेंट भी गुरु जी का हो सकता है। एम्पायर स्टेट के बाद बस वही एक जगह ऐसी देखी थी, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखने को महाराज ने दिखाया, पर दैट वॉज द फर्स्ट टाइम रियली डिसेंट वन। महाराज की ब्लेसिंग चारों तरफ बिखर रही थी। यानी वो सत्संग महाराज ने करवाया और करवाने के बाद जो मेन चीज कहना चाह रहा हूँ, अगले दिन या 2 दिन के बाद ध्यान नहीं तो, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जाते थे बड़े मंदिर, तो वहाँ हम मैं घूम रहा मतलब आ रहा था के अपना वॉशरूम से तो आंटी वहीं मिल गई जिनके यहाँ सत्संग था, मोनिका आंटी। कहते हैं कि अंकल मैं आपको बताऊं, जब आपका सत्संग कर रहे थे ना तो आपके चेहरे पर ओम बन बन के जा रहा था, आपके चेहरे पर ओम बन बन के जा रहा था। तो उस टाइम तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया, मैंने कहा ठीक है आंटी गुरु महाराज की मेहर है। देखिए सच्चाई ये है कि गुरु जी ने दिखाया कि तुझे मैंने घर से भी आगाह किया था और मैंने तुझे ब्लेस भी कर रहा हूँ। तो जब कहते हैं ना कि भाई गुरु जी ब्लेस करते हैं सत्संग करते टाइम, तो ये वास्तव में ब्लेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी दिन तक तो मेरे दिमाग में इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी, मैं कहा ठीक है सत्संग हो गया, पर हर सत्संग अगर बार बार करो तो उसमें से कुछ ना कुछ स्पेशल निकल के आता। तो वो पिछले दिनों मेरे समझ में आया कि ये तो गुरु महाराज ने दिखाया कि हाँ भाई मैं तो ब्लेस कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे सत्संग सत्संग थे संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु महाराज सभी को पता है हमें कि पहले हमें जीवन दान देते हैं, सबसे पहला काम महाराज का जीवन दान ही देना होता है, उसके बाद ही दूसरी दुनियावी चीजें आपको देते हैं। आप भले कुछ भी मांगो पर पहले वो आपको देते हैं कि भाई आपकी लाइफ भी है नहीं है। तो
मैं आपको बताता हूँ, मेरी आंटी को महाराज ने दो बार जीवन दान दिया, बताता हूँ। इस सत्संग के अंदर बहुत कुछ निकल के आएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। इट वॉज दिवाली ऑफ 2010, बड़े मंदिर गए हम अपने घर में पूजन करने के बाद, और वहाँ हमने लंगर, हमें गुरु जी कृपा से सबको ज्यादा ज्यादा लंगर मिल गया। तो बड़ों ने तो खा लिया, पर छोटों ने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, तो वो मेरी आंटी को दे दिया उन्होंने, दादी आप खा लो, दादी खा लो, लाइक वाइज करके वो बचा हुआ लंगर ना सारा मेरी आंटी को खाना पड़ा नहीं, आंटी ने खाया और कहता ना मैं अपनी तकलीफें दूर करूंगी, तुम ना करो, तुम नहीं खाओगे। तो उससे अगले दिन हमारे यहाँ ना संभाल के अंदर एक छोटे भाई का मंदिर है, गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ नेक्स्ट डे हम गोवर्धन पूजन के लिए जाते हैं। और वहाँ जहाँ भी मेरी आंटी ने मत्था टेका ना, जितनी भी डाइटी के आके मत्था टेका, वहाँ हर डाइटी में जो है ना गुरु महाराज के दर्शन मेरी आंटी को हुए। और इन्होंने कहा कि मैं तो भाई साहब को वैसे ही कहती हूँ, बड़े मंदिर चलो, ये तो पहले गुरु जी की शरण में। तो खैर वहाँ भी फिर नेक्स्ट डे वहाँ लंगर कर लिए बात, नेक्स्ट डे जब हम घर आए तो नेक्स्ट डे ही मेरी आंटी की तबीयत खराब हो गई। शी वेंट टू इनटू द स्टेट ऑफ नोशिया, इनको कुछ होश ही नहीं रही बिल्कुल भी, बातचीत भी नहीं करती थी बिल्कुल। हमने सोचा कोई गैस वगैरह हो रही है इनको, तो घर में कुछ कॉन्स्टिपेशन भी रहता था इनको, तो दो नर्सें बुलाई दो दिन, तो कोई भी शायद वो दे दें, एनीमिया दे दें तो पेट साफ हो जाएगा, उन्होंने दिया तो कुछ साफ हुआ नहीं। फिर हम आंटी को लोकल अच्छे हैं, आंटी को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब बहुत बहुत ही अच्छे डिसेंट डॉक्टर हैं। रात के 11-12 बजे उनके पास नंबर आया, उस आंटी ने अंकल डॉक्टर ने एकदम संभाल लिया, और इनकी दो बार ECG करी, ECG ठीक थी, दवाई दी 5 दिन की, वो दवाई हमने इनको इन्होंने एक ही दिन खाई है, यदि 1-2 दिन आराम नहीं आया तो दोबारा फिर उसके पास आए, उन्होंने डॉक्टर ने आर्टमिज हॉस्पिटल भेज दिया। आर्टमिज हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जाते, एंड मेरी आंटी की स्टेज ये स्टेज थी कि शिवाजन व्हील चेयर चल नहीं सकती थी, हालत ठीक नहीं थी, और इन्होंने सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो उस टेस्ट में पाया कि एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ कर दिया उन्होंने, टेस्ट में पाया कि आंटी के कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पर हमें नहीं बताया कि उसकी क्या अहमियत है अगर बढ़ जाए तो, और आंटी को एडमिट कर लिया। कैल्शियम लेवल उन्होंने पाया हमारी बॉडी में 8.4 से 10.2 होने चाहिए, वो बढ़ा पाया। तो उसने मेरे बेटे को बोला कि फटाफट जा करके एक पाउडर ही ले आओ, और वो लाने में 15 मिनट लग गए। उस 15 मिनट के दौरान उसने कम से कम 3 बार फोन बेटे को कहा कि कहाँ हो इस टाइम, कहाँ हो, कहाँ हो। ठीक हो, जो लेवल मेरी आंटी के उसमें कैल्शियम का था, उस हिसाब से इनको जिंदा नहीं रहना था, शी वाज़ टू अंडरगो हार्ट अटैक अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये सत्संग संगत जी बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, कैल्शियम लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, पैनक्रियाटिक हो जाता है, चेस्ट पे कंजेशन हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेनली हार्ट अटैक होता है, और डॉक्टर को इसी का डर था कि ये जो पेशेंट है जिंदा कैसे है अभी तक, उसको ये नहीं पता था किसने जिंदा रखा। तो फिर उन्होंने फिर एक डॉक्टर ने कहा कि इसको जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो डायलिसिस करके निकाल देते हैं। डायलिसिस का टाइम भी मतलब आप उसकी वो देखिए कि कितनी मतलब मजबूरी थी डॉक्टर की, रात को 3 बजे उसने डायलिसिस करने का टाइम रखा। लेकिन उससे पहले एक इंजेक्शन ट्राई किया, उस इंजेक्शन से क्या हुआ कि इनका कैल्शियम लेवल जो है ना 2 पॉइंट नीचे आ गया। इससे पहले की स्टेज संगत जी ये थी कि मेरी आंटी को हॉस्पिटल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे थे, हर चीज़ जलने फूकने के, क्रिमेशन ग्राउंड के सारे पता नहीं कहाँ क्रिमेशन ग्राउंड पे जलती बॉडी वगैरह सब सारे इनको सपने आ रहे थे, और वो अच्छा नहीं फील कर रही थी। और एक बार तो सपने के अंदर वो रात को सपने में भागी भागी जा रही हैं, गाउन काला पहना हुआ है, और बच्चा इन्होंने अपना बच्चे अपने प्लॉट के अंदर बिछड़ता देख लिया, अपना ग्रैंडसन बिछड़ता हुआ देख लिया। जब भागी भागी जा रही थी तब पीछे से किसी ने पकड़ा, और इनके मुंह से निकला कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और जब इनके सवेरे मत ये जगे तो अच्छा फील कर रही थी, और आंखों के तो नर्स वगैरह ने नहलाया इनको, और जैसे आंखों पर अपने हाथ रखे
तो गुरु महाराज ने इनको विजन दिखाई बड़े मंदिर के बड़े गेट से, छोटे गेट से, और रेड कारपेट बिछता चला गया संगत जी सिंहासन तक, और गोल्डन गणेशा, गोल्डन शिवा, और सब कुछ सोने का इनको दिखाया, और दैट वाज ए प्योर ब्लेसिंग। तो दिखा कर पर सारा दिन ये बहुत ही खुश रही उस दिन। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई वो जो इंजेक्शन ट्राई किया था उससे इनका दो दो पॉइंट नीचे आने लग गया, और डायलिसिस उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई जब इतने लेवल पर कुछ नहीं हुआ अब तो इंजेक्शन से नीचे आ रहा है। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने कहा कि मतलब कंट्रोल में आ गई उनकी तकलीफ। तो ये जिस होता क्या है, हमारे गले में पैराथाइड ग्लैंड होती है, वो पैराथाइड ग्लैंड जो है ना कैल्शियम कंट्रोल करती है। इनका पैराथाइड ग्लैंड की जो माल फंक्शन चालू हो गई थी एंड दैट वाज टू बी रिमूव्ड बाय सर्जरी। तो उन्होंने सर्जरी का सर्जरी करनी करनी चाहिए करी करी है आंटी की सर्जरी। उस सर्जरी के दौरान सर्जरी संगत जी हो गई, और जब बाहर वहां से सर्जरी रिकवरी रूम में लाए इनको, हाँ सॉरी, सर्जरी से पहले इनको एक हार्ड बेड पे डाला गया एंड शी वॉज नॉट फीलिंग गुड कि मुझे हार्ड बेड पे क्यों लिटाया जा रहा है, मत अच्छा नहीं लग रहा था इनको। तो जब वहां से सर्जरी हो गई, इमीडिएट सर्जरी के बाद इनको पूरी होश थी आप विश्वास करना, और जब रिकवरी रूम में लाए शी वॉज टॉकिंग, और इन्होंने वहां पर 6-7 डॉक्टर खड़े थे, सबको इन्होंने हाँ पहले तो इन्होंने उस हार्ड बेड की जगह अपने आप को फूलों पर पाया, पूरी फूलों की स्टेज पर अपने आप को महसूस किया कि जैसे नीचे फूल बिछे हुए हैं। और इन्होंने डॉक्टरों को सबको बोला कि डॉक्टर साहब भाई आप यहाँ जितने भी खड़े हैं आपका कुछ ना कुछ भला होगा, यहाँ मेरे गुरु महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। अब डॉक्टर को तो बेचारों क्या पता कि कौन सी भाषा में किस कौन से गुरु जी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये दैट टाइम मेरी आंटी 12 दिन वहाँ पर रही। उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज किया तो उसके 7 दिन बाद हम 7 दिन के बाद अनस्टिचिंग के लिए आए संगत जी। तब डॉक्टर ने अपना मुंह खोला, कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए हो। मैं इस लाइन का डॉक्टर था यूएसए में, 2 साल मैंने काम किया है। वहाँ लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और पीरियोडिकली अपनी हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, और वहाँ अगर ये 12 या 12:30 13 भी हो जाए ना तो इमिजिएटली ऑपरेशन कर देते हैं हम, और 15 हो जाए तो कैजुअलिटी हो जाती है। और आपके पेशेंट का तो इट वॉज अप्रोक्सीमेटली डबल, मोर देन डबल, 10.2 मैक्सिमम होता है, इनका 20.9 लेवल था, मोर देन डबल। ये तो आपके साथ कोई स्पेशल स्पेशल चीज है। तो संगत जी उस वक्त मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया एट रैंडम कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ एक सुपर पावर है, हमारे गुरु जी हैं। अगेन उनको कुछ मतलब ही था। तो इस हिसाब से महाराज ने पूरी तरह से मतलब बचाया, देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइव। जब भी वो अच्छा इस दौरान भी काफी इसी जी करी, इसी बार बार ठीक आ रही थी, और फिर वो इसी जी कौन ठीक ला रहा था। और संगत जी ये जो लेवल है ये ओवरनाइट तो बढ़ नहीं गया था कि भी एक ओवरनाइट को ब्लैंड का साइज बड़ा हो गया, वो लेवल बढ़ गया, इसको ही बहुत टाइम लगा होगा। इतने समय तक महाराज ने जिंदा रखा इनको, कर्म कटवाए होंगे और बाद के अंदर सेफ वहां से ले आए। ऐसे ही अभी पिछले दिनों की बात है, अगेन आंटी को बहुत ब्लेस किया, बहुत बार बचाया आंटी और गुरुजी ने। अभी दिसंबर 2019 की बात है, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जो आई एम डिफेंस का रिटायरिंग हूँ तो मुझे R&R के अंदर भेज दिया इनको कि भाई वहाँ जाकर चेकअप करा दो। वहाँ उन्होंने पाया कि भाई इनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका भी एंजियोग्राफी आप करा लो। मैंने एंजियोग्राफी की डेट भी ले ली और वहाँ से ले आया, डेट लेकर आ गया। पर इन्होंने कहा मेरे को नहीं, मैं तो मंदिर में 3-3 घंटे खड़ी रहती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ घर घर के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने कोई एंजियोग्राफी नहीं करानी। तो डॉक्टर को भी यही शब्द के, इन्होंने जो यहाँ लोकल हमारे डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जब प्रॉब्लम होगी तो सीधे डॉक्टर हॉस्पिटल में चले जाना, जब तक अपने आप जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो वो ही हुआ, इट वॉज मई 2020, जब ये कोरोना पीक पर था, कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था, कोई बेड हॉस्पिटल में नहीं होते थे। रात को 2 बजे इनका सांस रुक गया, सांस आना ही बंद हो गया। और उस दिन संगत जी हमें पता लगा कि एक एक दो दो मिनट की वैल्यू क्या होती है। हम घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद हमारा दिमाग में था कि हम आर्टिमिज हॉस्पिटल में जाएंगे,
एक लाल बत्ती का मतलब क्रॉसिंग थी, वहां से पारस हॉस्पिटल का रास्ता लेस देन 1 मिनट था, और 8 मिनट का करीबन 4-5 मिनट का था रात के टाइम, 4 मिनट का। वी डिसाइडेड कि अगर 8 मिनट गए तो ये नहीं बचेगी, हम पारस में चले गए। और वहाँ आप विश्वास करना, हमें ऐसा लगा कि जैसे हर आदमी हमारी वेट कर रहा है, गुरु जी की लीला देखो। हाँ, इस सत्संग से पहले इससे जुड़ी हुई बात मैं आपको कहूँगा कि इट वॉज फरवरी 2020 कि मेरा बेटा रात को 11 बजे सेवा से निकल रहा था, और बाहर एक आंटी खड़ी थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। मेरे बेटे ने पूछा, भाई क्या बात है? कहते अंकल, हमें जो है ना, मुझे महाराज का स्वरूप चाहिए, मेरे अंकल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, तो जिसके माध्यम से गुरु महाराज ने जिसका कल्याण करवाना हो और आगे तक क्या होना है। ये अंदर गया, इसको 2 फोटोएं मिल गई, 2 फोटो में से एक आंटी को दे दी, एक अपने पास रख ली। उस संग जी वो फोटो इसी की जेब में रही, हालांकि एक बहुत 2005 में कुछ फोटो मिली थी, वो परमानेंट इसके पास है पर्स के अंदर, लेकिन ये फोटो भी इसने रखी अपने पास। और जब यहाँ हम अपना हॉस्पिटल पहुंचे पारस के अंदर, हर आदमी ने इनको, पर इनके सांस नहीं था, देर वॉज नो ब्रीथ एट ऑल, पता नहीं इनके मुंह से ये निकल रहा था कि मैं मरी मरी, मुझे कोई गोली दे दो जिससे मुझे सांस आ जाए। तो डॉक्टर ने वहां पर ये कहा कि देखो, मतलब विद इन इनके इनकी लाइफ खतरे में है, इनको सांस नहीं आ रहा है, इनके फेफड़े पूरी तरह ब्लॉक्ड हैं, उसका सांस का कोई जरिया है नहीं, पारा कंजेशन हुई है, वह हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। सत्संग संगत जी, उस वक्त के अंदर वेंटिलेटर कहाँ होते थे, मतलब देर उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी शायद इन्हीं के लिए था, और जाते ही विद इन 10-15 मिनट इनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। और वेंटिलेटर पर डालने के बाद उन्होंने पाया बाद के अंदर, उस वेंटिलेटर के पड़ते पड़ते अगले दिन इनको थोड़ी सी होश आई दिमाग, और वो फोटो जो है ना वो महाराज की, वो इन्होंने बोला मेरे बेटे ने, उनको नर्सेज वगैरह को भी इनके सहारे रख दो, और वो फोटो आगे से आगे पास होती चले गई। और वो यही आंटी मेरी सुनती रही कि भी इनके गुरुजी की फोटो है, इनको इनके सराहने रख दो, जब भी बेड बदले वो फोटो साथ साथ बदली गई। तो जब सवेरे इनको ना उसी के दौरान थोड़ी सी होश आई दिमाग के अंदर, अच्छा इनका वही बदल दिया गया, अपना स्टेंट डाल दिया गया, तो एक थोड़ी सी होश आई, और इन्होंने देखा कि मेरे पैर भी नहीं चल रहे हैं, मेरे मतलब हाथ भी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई इनकी कोई सहेली के ऐसे ही कोई डेथ हो गई थी, कि उनका भी ऐसे ही अधरंग सा हो गया था, क्योंकि तो मुझे भी अधरंग हो गया है और मैं भी 2-3 महीने के बाद ख़त्म हो जाऊंगी। और फिर थोड़ा सा सोचा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, थोड़ा सा घर के बारे में, और फिर सोने के इससे अच्छा मेरी लाइफ सिर्फ 2-3 महीने की है, और इससे बढ़िया मौका मेरे पास और कोई भी नहीं होगा, मैं सिर्फ गुरु महाराज का पाठ करती हूँ। एंड शी स्टार्टेड चैंटिंग, चैंटिंग क्या, मनी मन के अंदर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इनको धुन ओम नमः शिवाय की लगी, जैसा ये बोलते हैं। कहते हैं मैंने तो उसके बाद ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ मुझे सूझा ही नहीं। और उस ये पाठ में हमारे संगत जी, इतनी शक्ति है, मैं इसको आज से नहीं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कि कुछ माहौल घर का मतलब ऐसा था, हमारे मेरे नान के साइड में तो जो शंकर भगवान को बहुत मानते थे, और मैं खुद भी बहुत ही आस्था है मेरी भगवान के, शंकर भगवान के प्रति, तो इस मंत्र में बहुत ज़्यादा बहुत शक्ति है। तो उसके कुछ दिन के बाद, ये 7-8 दिन के अंदर बाद, हम घर में भी लोगों ने, बच्चों ने भी काफ़ी ओम नमः शिवाय का पाठ किया, और ये ठीक ठाक महाराज ने इनको बुला लिया और इनको जीवन दान दूसरी बार दिया। संगे जी, इसके अलावा मैं बता दूँ, हम अक्सर हम सुनते हैं कि महाराज जो जब एम्पायर स्टेट में, जहाँ भी जलंधर मंदिर में जहाँ भी बैठे होते थे, तो बैठे बैठे संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते रहते थे, संगत को मतलब, और संगत को पता भी नहीं रहता होता था कि किसका कौन सा कष्ट गुरुजी ने हर लिया। ये थी इनकी निष्काम सेवा, मैं कहूँगा, जो जिसका कोई मोल ही नहीं दे सकता, कि बंदे को पता ही ना हो कि उसका क्या कष्ट, और ये अपने ऊपर लेते रहते थे। और कई बार तो जो वहाँ के 7ों दिन के सेवादार थे, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जो है ना, एट टाइम्स मैनी टाइम्स पास पेशेंट में ब्लड की वोमिटिंग करते हैं, तो वो सिलसिला महाराज का बाद में भी, चोला छोड़ने के बाद भी किसी न किसी रूप में जारी रहा, और कभी कभी पता भी लग जाता था। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो सत्संग सुनाता हूँ। एक बार मेरे बेटे को
सिर के अंदर बड़ी कुछ पेन्स होती थी कानों से ऊपर पेन होती थी और एंजाइटी से हो जाती थी और वो बहुत ही परेशान होता था और दिमाग में ये होता था कि ये पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। और उसके लिए ना इन्होंने इसने हर सभी जो जितनी भी सेम थी एलोपैथी आई स्पेशलिस्ट ऑर्थोपैथी और होम्योपैथी कोई चीज छोड़ी ही नहीं और सब सारी लाइनें देख ली, उसको आराम नहीं आया बिल्कुल भी। तो इस दौरान जो था ये एक बार ये बड़े मंदिर से आ रहा था और बड़े मंदिर से आते हुए वापसी के अंदर एक संगत बोली कि अंकल हमें आप रास्ते में उतार दोगे स्टेशन पे इसके मेट्रो स्टेशन पे। तो उसने कहा बैठ जाओ, हालांकि इसका रास्ता दूसरा था, बैठ जाओ ले मैं उतार दूंगा। अब वो बैठ गया और बैठे पढ़ते बोलता ना कि अंकल मैं एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ, आप सुनोगे? नुके अभी सत्संग तो क्यों नहीं सुनेंगे, सत्संग के तुम भूखे रहते हैं। कहते नुके अंकल मेरे पेट में मुझे वायरल हुआ था और वायरल के बाद मेरा पेट के अंदर भयंकर दर्द होना शुरू हो गया और वो एक दिन दर्द इतना ज्यादा रहा कि मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु जी मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा। तो मुझे 1 घंटे के अंदर वो दर्द मेरा ठीक हो गया, लेकिन मेरे पास गुरु जी की एक फोटो थी, उस फोटो के अंदर मेरे गुरु जी के पूरे पेट का हिस्सा सारा का सारा खराब हो गया। वो हिस्सा जो गुरु जी के जो मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी गुरु जी ने अपने ऊपर ले ली और मैं सारा का सारा ठीक हो गया। मुझे उसके बाद वो पेट के अंदर दर्द हुआ ही नहीं जो मैं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा। अब ये सत्संग इसने हमें नहीं सुनाया था, ये बाद में सुनाया था। उसके बाद मैं एक दिन इसकी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में देखा जो एक हर 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 संगत की गाड़ी में नॉर्मली स्वरूप महाराज का होता ही है। तो मैं जैसे ही बैठा मैंने देखा कि गुरु जी महाराज का जो स्वरूप लगा हुआ है वो उनका जो माथा है पूरा का पूरा डिफेस हो गया। मैंने कहा बेटी ये क्या हुआ गुरु जी के चेहरे को माथे को? कहना पापा जी ये अपने आप में एक सत्संग है, मैंने आपको बताया नहीं, ऐसे ऐसे जो है ना मैं बड़े मंदिर से आया था तो ऐसे ऐसे बताया था एक बंदे ने कि उसके पैर ये नुके 3 महीने मतलब गुरु महाराज का जो माथा ये तो खराब होता जा रहा है और मेरा जो कष्ट दूर होता जा रहा है। तो वो कष्ट अगेन महाराज ने मतलब दिखा दिखा क्या दिया था, मतलब इसका कष्ट दूर हो गया जिससे बहुत ज्यादा परेशान था, थोड़ा नहीं काफी परेशान था। एंग्जाइटी सर्फ तरफ बहुत ही गंदी चीज होती है जो कि 2-1 महीने मैंने महसूस करी है, इससे गंदी चीज बहुत कम होती है क्योंकि बंदे को पता नहीं होता मेरे साथ क्या हो जाएगा, बहम हो जाता है। ऐसा ही पिछले दिनों मतलब पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की काफी साल पहले की बात है, मेरा बेटा सवेरे से उठता बड़े वाला, कहते हैं कि पापा जी रात महाराज मुझे गुरु महाराज सपने में आए। मैंने कहा बेटे क्या है? कहते हैं कि सपने में तो आए पर वो जैसे चल रहे थे और उनका बायां गाल सूजा हुआ था। मैं उनको देखा कि चल रहे थे उनका बायां गाल सूजा हुआ था बुरी तरीके से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कुछ भी हो बेटे, गुरु जी का दिखना मतलब इट इज ए ब्लेसिंग, इट्स ए प्योर ब्लेसिंग, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा बुरा होने वाला, वो बुरा नहीं होगा ये मान के चलिए आप। वही हुआ 15-20 दिन के बाद, मेरी आंटी पार्क में चल रही थी और चलते चलते इनके उसी बाएं गाल के अंदर फुटबॉल लगी एंड शी वॉज फ्लैट ऑन ग्राउंड, बुरी उसी वक्त वहीं गिर गई। भीड़ इकट्ठी हो गई तो कोई कहता है कोई हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कहता है बर्फ की चिपकाई करो, पूरा सूज गया माथा सॉरी गाल बाया। घर ले आए और घर आने के बाद के 1-2 दिन के बाद ठीक हो गए। अपना ये मानना है कि अगर गुरु महाराज ने वो कष्ट अपने ऊपर ना लिया होता जो दिखाया तो पता नहीं क्या हालत होती। जब इतना उसके बाद भी इतनी स्वेलिंग रही तो बाद में क्या उनका मतलब समथिंग सीरियस वुड हैव गॉन। ये तो मतलब वो चीजें हैं कि ऐसे जब महाराज के पास हम जाते हैं तो संगत जी हमारे माध्यम से ना जो हमारे रिलेटिव हैं जो हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर भी एक कृपा बरसती है, बहुत वो जो ब्लेसिंग है आगे आगे बरसती है। इससे रिलेटेड मैंने दो दो संगत में बताऊँ सत्संग सुनाना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है एयरफोर्स में है, नाउ ही इज 1 ईयर ओल्डर देन मी एंड इज ए क्रॉनिक बैचलर डिडंट मैरी। तो उसके हाल चाल मैं नॉर्मली पूछता रहता हूँ। तो एक दिन मैंने सवेरे उसको फ़ोन किया तो बड़ी सुस्त सी रिप्लाई उसने दी। मैंने कहा क्या बात हुई कुमार साहब, वाई यू आर सो सैड? कहने के जोशी भाई मुझे कैंसर डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर ने, प्रोस्टेट का कैंसर डिक्लेयर कर दिया।
तो मैंने, मुझे बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि नाम ही गंदा है। मैं कहा फिर उसको हिम्मत बनाने के लिए, मैं कहा क्या बात होगी फिर, बहुत आजकल तो बहुत इलाज है, आजकल इतने मॉडर्न इलाज चले हुए हैं, तो सर्जरी, ओपन सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या चला हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वो कहते नहीं, आप अपने गुरु महाराज से रिक्वेस्ट करो। मैं कहा गुरु महाराज तो आपके भी हैं, क्योंकि मैं इसको कम से कम 5-6 बारी बड़े मंदिर ले गया था, गया मेरे साथ बड़े मंदिर, तो मैं कहा गुरु महाराज तो आपके भी हैं, वो तो सभी के हैं, जो अरदास करेगा उन्हीं के हैं, बल्कि कर मैं भी सकता हूँ, पर मैंने की भी, तो आप खुद करो। तो उसके बाद इसने चारों तरफ अपना, मतलब खाली तो आदमी बैठता नहीं, कहीं अपना डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट डॉक्टर्स को चेकअप रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो सबने यही कहा भी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और करवा लो। फाइनली इसने एम्स के अंदर कहीं ना कहीं सिफारिश लगवा करके अपना चेकअप करवाना शुरू कर दिया। तो एम्स में जब चेकअप कराया तो वहाँ कुछ भी नहीं आया। तो एक दिन सवेरे से इसका फ़ोन आया, कहते ना कि जोशी भाई, मैं कहा बोलो कुमार साहब, कहते ना कि मुझे तो गुरु महाराज ने फांसी के फंदे से बचा लिया। मैं क्यों, कैसे, कहते ना कि एम्स की रिपोर्ट के अंदर मेरे शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं। तो मैं कह देखा, ये है गुरु महाराज। मैं कह मेरे से नहीं, आपने खुद, मतलब वो इतनी इतनी रक्षा करते हैं, एक बार उनसे मांगो तो सही, अगर आपके लिए ठीक है तो जरूर देंगे, नहीं ठीक है तो बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा कष्ट जो आप तो ठीक कर दें बाद में आपको भोगना पड़े, वो कभी नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से जो ब्लेसिंग है चारों तरफ भी दूसरी तरफ भी फैलती है। सिमिलरली मेरे बेटे की एक फ्रेंड है, शी इज मोहम्मदन बाई कास्ट, उनका उसके साथ बड़ी समस्या थी, उसको गुरु महाराज ने कैसे बचाया आप देखिए। वो साथ काम करती थी और हर रोज सवेरे आती थी, तो उसके साथ बड़ी परेशानी थी, उसकी मदर उसको बहुत बहुत ही मारती थी, ऑफिस में आती थी तो परेशान होती। एक दिन परेशानियाँ बोल रही थी, मोहित जी, मेरे मनीष जी, मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम हुई, मदर पहले मदर मारना शुरू करती है, फिर भाई बहन सब मारना शुरू कर देते हैं। तो बेटे ने मुझे बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे ना मेरी फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा भाई नॉर्मली होता तो नहीं, माँ क्यों मार माँ मदर क्यों मारेगी, और वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शी इज़ MCA, और घर का सारा काम करके आती थी ना, कि मैं सारा काम करती हूँ फिर भी ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये और मारते भी सिर्फ मुँह मुँह पर ही है। तो मैंने कहा बेटे किसी घर में दखल तो नहीं दे सकते हम, लेकिन हमारे पास जो है वो हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, गुरु महाराज का स्वरूप करीबन 12 इंच और 6 फुट का, सॉरी 6 इंच का चौड़ाई में होगा, वो फ्रेम करवा के उस लड़की के पास भिजवा दिया। और उन दिनों लाइट ऑफ डिविनिटी की किताब मतलब मिल जाती थी, और हमारे पास थी, वो किताब भी उसको दी सत्संग पढ़ने के लिए, और कहा कि तू ये पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और उस लड़की ने किया भी। 1 महीने के बाद लगभग का फोन आता है सवेरे सवेरे, कहते मनीष रात मैंने सपना देखा। तो कहते भाई क्या देखा, कहते ना मैंने सपना देखा कि मेरी मदर जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठी है, और उसके दोनों जो आर्म हैं, बाजू हैं, वो साइड आर्म से बंधे हुए हैं, और जो पैर हैं वो नीचे बंधे हुए, चेयर की टांगे जोड़ रखी किसी ने। और तभी एक आदमी आता है छुरी लेकर के, जो आदमी सिर से तो गंजा है, जीन पहन रखी, टी शर्ट पहन रखी, स्पोर्ट्स शू पहन रखे, और वो छुरी से वो सारे सारे बंधन जो बंधे थे, सारे जो जहाँ जहाँ बंधे थे मेरी मदर का, और काट दिया। तो उसने बेटे ने मुझे बताया, मैंने कभी इसका मतलब साफ है, दुनिया में सब कुछ होता है, ये तो गुरु महाराज खुद कहते थे, किसी पे काला जादू हुआ, किसी पे कुछ जादू हुआ। मैंने कहा दुनिया में सब कुछ होता है, वो भी किसी ना किसी तरीके से बांध रखा होगा, और गुरु महाराज ने उसको क्लियर कर दिया, और मैं कहा मेरा पूरा विश्वास है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी आप विश्वास कीजिए, विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज शी स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मलाइज इन आर हाउस, एंड एट प्रेजेंट शी इज वेल सेटल्ड एंड वेल सेटल्ड अब्रॉड। बहुत ही अच्छी लड़की है ये, एंड शी इज बाउंडेड बाई कास्ट। गुरु महाराज के दिमाग के अंदर कोई कास्ट क्रिएट नहीं होती, वो तो सबके भगवान है। और इस तरीके से उस लड़की के उन्होंने काफ़ी मदद करी, मैं ये कहूँगा। आंटी मुझे इतना बता देना, सत्संग बहुत ज्यादा है, काइंडली मुझे जो, अंकल यू विल कंटिन्यू, प्लीज प्लीज कंटिन्यू अंकल। हाँ, तो मतलब टाइम का जहाँ भी लिमिटेशन हो अंकल मुझे प्लीज बता देना,
ओके थैंक यू थैंक यू अंकल जय गुरु जी मेरी आंटी बोल रही है कि मेरे लिए छोड़ देना एनीवे नहीं अभी तो आंटी ने सत्संग करना है अभी तो शकुंतला आंटी के हमसे वेट कर रहे हैं कोई बात नहीं अच्छा तो अंकल मैं आपको एक मतलब बताता हूँ अपनी हार्ट की प्रॉब्लम तो पिछली बारी मैंने बताई थी आपको मेरा छोटा बेटा है जो है वो एक बारी बाहर खड़ा कहीं उसने देखा कि किसी आदमी का कोई था एम्प्लॉई वो IBM का सर्विस करता था IBM का बैग उसके पास था तो उसने उसके दिमाग में खड़े खड़े ऐसी आ गई दिमाग के अंदर माइंड इट उन्होंने उसने कहीं से अरदास नहीं कहीं से रिक्वेस्ट नहीं करी गुरु से कि क्या कभी जिंदगी के अंदर मेरी भी IBM में नौकरी लग सकती है तो बस अपने दिमाग में सोचा और बस थोड़ी देर के लिए ख्याल आया उसके दिमाग के अंदर और फिर वो मैं बता दूं कि वो एक अपना उसके बाद जिस कंपनी में काम करता था उसमें करीबन 50-60 आदमी काम करते थे और पर वो बॉसेस थे बहुत अच्छे इसके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम किया था और बहुत ही इसकी मदद करी और अच्छा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा मैं गुरु महाराज से डर के बोल रहा हूँ काफ़ी ब्लेस्ड है गुरु से और इंटेलिजेंट बहुत है कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की पर नहीं कोई अच्छी ब्रेक मिल रही थी तो इसके बाद उसके बॉस ने कहा भी मोशी पुनीश तुम ऐसा करो PMP कर लो काफ़ी ही इज़ MSc कंप्यूटर साइंस पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर के काफ़ी उसने काम डिप्लोमे वगैरह कर रखेंगे MSc भी है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो कि तू PMP और कर ले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल प्रोफेशन ऐसे ही है मैनेजमेंट का कोर्स है वो उसने प्राइवेट कर लिया और उसके बाद संगत जी वो जो है ना कंपनी तो होगी बंद और इन्होंने इसने कहीं और ज्वाइन किया उस जहाँ ज्वाइन किया था उस कंपनी के CEO ने जब वहाँ सर्विस करते हुए करीबन 2 साल हो गए ना नॉट करीबन एग्जैक्टली उस दिन 2 ही साल हुए थे तो इसने अपना इसके मेज के ऊपर ये महाराज की बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है जहाँ ये काम कर रहा था स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस उसने घर आके बताया भी कि पापा जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस महाराज की थी और इसने क्या किया वहाँ पर दिमाग एकदम काम नहीं करता वहाँ से उठा किसी दूसरी मेज पर गया तो वहाँ पर नहीं थी दोबारा फिर आया तो मेज पर फिर फ्रेगरेंस थी तो फिर इसने समझ में आ गया इसके मैंने कहा बेटा ऐसा है कि गुरु महाराज ने तो ब्लेस किया तो अब यही खुश हो गया कि हाँ ब्लेस तो किया है फ्रेगरेंस महाराज की लेकिन नेक्स्ट डे जब गया तो नेक्स्ट डे संगत जी इसके CEO ने वहाँ पर जो थे बुला करके 7 आदमियों को बुला कर कहा कि सी वी आर डूइंग सम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैन पावर और आप 7 बंदों को हम निकाल रहे हैं और आपको 1 महीने का पीरियड दिया जा रहा है आप अपना 1 महीने में भले आप ऑफिस आओ या ना आओ अपनी जॉब देख लो और ऐसे ऐसे करके तो उसको बहुत दुख हुआ कहते हैं कि कल तो महाराज ने मुझे ब्लेस किया था आज मेरी नौकरी चली गई संगत जी आप विश्वास कीजिए विद इन नेक्स्ट 1 वीक ही हैड ए वेरी डिसेंट जॉब इन हिज पॉकेट जिसके जो सैलरी थी जो उससे काफ़ी ज़्यादा थी और उसके विद इन मतलब ये तो 1 वीक की बता रहा हूँ और 1 महीने के अंदर इसकी पॉकेट में 4 जॉब थी और उसने फिर एक ज्वाइन की जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी थी वो नोएडा की थी नोएडा ये जाना शुरू कर दिया इसने और वहाँ पर 500-600 आदमी काम करते थे उस कंपनी के अच्छी कंपनी थी और वहाँ इसने 4-5 महीने काम किया तब एकदम इसने यहाँ अप्लाई कर रखा था आई अपना किसी जहाँ नौकरी रखती है एसोसिएट्स वगैरह जहाँ ये रिज्यूमे देते हैं वहाँ उसने बुला लिया IBM की ओपनिंग के लिए इंटरव्यू वगैरह लिया और इसको नौकरी वहाँ पर IBM के अंदर मिल गई और अब ये देखिए उसने कब सोचा था कि क्या मेरी कभी IBM में नौकरी लग सकती है तो और गुरु महाराज सुना और फिर अगेन जहाँ ये सर्विस कर रहा था नोएडा के अंदर वहाँ इसने अब वहाँ 4-5 महीने हुए थे उनसे कैसे कहे कि भाई मुझे ठीक मतलब एकदम ज्वाइन करना था IBM के अंदर कि मुझे आप रिस्पेक्टफुली रिलीज कर दो संगत जी उन सारे के सारे जितने भी आदमी थे सब ने बहुत ज़्यादा मदद करी जो वहाँ इसके बॉस थे नोएडा के अंदर और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसको रिलीज किया और इतना ही नहीं 4 महीने में इसके यहाँ बेबी भी हुआ उसके करीबन 45,000 रुपीज जो डिलीवरी के हॉस्पिटल के एक्सपेंसिज थे वो भी उन्होंने इसको पे करवाए
वो मतलब वहां से छोड़ने के बाद पे करवाए। यू कैन जस्ट इमेजिन कि गुरु महाराज किस तरह के, अदरवाइज छोड़ दी नौकरी, सिर्फ 4 ही महीने करी, कौन परवाह करता है। तो सारे सब एम्प्लॉयमेंट से डरवाए डरवाए, और महाराज ने आईबीएम के अंदर की नौकरी भी लगवाई जिसकी सैलरी काफी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, संगत जी जिस बंदे ने इसको हायर किया, उसने जो इसका इमीडिएट बॉस था और इसको सेम ग्रेड के अंदर डाल दिया, एंड दैट बॉस वाज नेचुरली नॉट हैप्पी कि भाई ये नया नया आया, और मतलब ग्रेड सेम थे तो ही वाज नॉट हैप्पी। हर बात पे वो मतलब कहीं ना कहीं इसको बिना गलती के भी और गलती के डांटता रहता था। तो एक साल के बाद जो रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो देनी थी। अब इसको पक्का पता था ये तो मुझे हमेशा डांटता रहता है, अच्छी रिपोर्ट तो देगा नहीं बिल्कुल भी। उसमें जो आईटी में काम करते हैं उनको पता है कि 1 होता है 2 होता है 2+ होता है 3 होता है। 1 तो डिसप्लेजर होता है, वो तो किसी को मिलती नहीं है, दैट मीन यू आर नॉट वर्थ कीपिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। 2 ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे दो दो नंबर दे 2 नंबर दे देगा और इससे ज़्यादा नहीं देगा। उन दिनों हमारे घर में ना मतलब एक सत्संग हुआ था, साल में एक बार सत्संग होता है जैसे मैंने बताया। तो इसने फ्राइडे की छुट्टी ली थी घर में सत्संग की तैयारी करने के लिए। तो सत्संग की तैयारी करने पर उसको संडे को ही फोन आया, कहते ना कि नॉट संडे को फोन आया, उसको पता लग गया कि हाँ भाई मुझे वहाँ मेरी जो असेसमेंट है दे दी गई वहाँ पर। उसने ऑफिस ज्वाइन किया मंडे को। मंडे को इसका बॉस वो पूछता है, कहते ना कि मनीष तुमने वो फ्राइडे की छुट्टी ली थी, किस लिए ली थी? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सत्संग होता है और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन मैंने छुट्टी ली थी, नहीं तो घर में काम ज़्यादा पड़ जाता है। तो गुरु जी का सत्संग होता है, इसका मतलब नहीं गुरु जी का सत्संग होता है हमारे। तो देन दैट बॉस सेड कि देन इट इज़ ए गुरु जी इज कृष्णा। देखिए वो बॉस इसका बोल रहा है कि देन इट इज़ ए गुरु जी इज कृष्णा, दैट मीन्स उसने तो 2 ही दिया था और ही गॉट दी जो रिपोर्ट में उसको 2+ दिया, क्योंकि इसने 2 या आगे चेंज करने वाले हैं ना महाराज, चेंज करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उसे 2+ जो दिया तो उसके ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको इंक्रीमेंट मिली थी। यहाँ मैं वो बता सकता हूँ तो सालाना इंक्रीमेंट उसको करीबन 1-1.5 लाख की मिल गई थी। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपने एक ही बार सोचा, गुरु महाराज से अरदास भी नहीं करी कि गुरु जी मेरी आई पे मैं नौकरी लगवा दो, और गुरु जी लेकिन सुनते हैं आपके अंदर भी जानते हैं, उन्होंने इसको बकायदा वहाँ हर जगह मतलब आपको गुरु जी दिखते हैं। बात सारी ये है, इसको तो बल्कि मैं शुरू में कहा करता था कि बेटे आप डेली दिल्ली जाते हो तो रास्ते के अंदर एम्पायर स्टेट में रुक जाया करो, वहाँ महाराज की ब्लेसिंग ले जाया करो। क्योंकि उन दिनों हमें ये नहीं पता था कि अगर सत्संग में जाओ तो सीधे घर से सत्संग में जाओ और सीधे घर वापस आओ, दिस थिंग वॉज नॉट नोन टू अस। तो मैं ऐसे बोल दिया, पापा जी ये सत्संग में जाने की आपकी उम्र है, मेरी उम्र नहीं है, मुझे तो अपने काम काम ही करना है। तो और अब यही शायद मतलब अच्छे सारे मतलब भक्तों में से एक है गुरु जी का। ऐसे संगत जी एक बार मेरे हमारे बैठे बैठे दिमाग में ये आ गया कि अगर एक दिन की सेवा, मैं तो सेवा में था, एक दिन की सेवा बड़े बेटे को भी मिल जाए तो उसका भी मतलब अच्छा होगा, उसके लिए भी कल्याण हो जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद भवन में बैठे थे बड़े मंदिर में और मीटिंग चल रही थी सेवादारों की। तो मेरे बराबर में जो कॉफी कॉफी के प्रसाद के इंचार्ज वो बैठे थे दीपक गुप्ता, तो उनको एक आदमी मतलब उसमें सेवा में एक आदमी चाहिए। तो मैंने पटाख से बिना बेटे से कंफर्म करे पर मैं कहा अंकल मेरे बेटे का नाम लिख लो, और उसने फ्राइडे की सेवा को दे दी। संगत जी उसने फ्राइडे की सेवा जाना शुरू कर दी, और विश्वास कीजिए इसने 2 दिन के बाद उनसे पूछा कि क्या मैं और भी आ सकता हूँ। उन्होंने कहा आप जो जो से मर्जी दिनों में आ जाओ। देन इंस्टेड ऑफ 1 डे वो 3 दिन लगातार से देना शुरू कर दिया। हमने एक दिन की सेवा के बारे में सोचा था, ये मांगी नहीं थी गुरु जी से सेवा, कि अगर मिल जाए, वो गुरु जी ने इसको 3 दिन की सेवा दी। और वो 3 दिन की सेवा तो ये करीबन 4-5 साल लगातार करता रहा। बाद में थोड़ा ऑफिस की थोड़ी कमी रह गई तो फिर ये एक ही दिन चालू कर दी इसने, 4 साल लगातार और मतलब मंदिर में जाता है। यानी कि हमने एक दिन की मांगी, महाराज ने 3 दिन की दी, और तब से लेकर के परमानेंट महाराज ने इतना सिर पे हाथ रखा हुआ है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक वक्त के अंदर हमारे परिवार से मेरी आंटी की बड़े बड़े बेटे की हम तीनों सेवा में होते थे कोरोना से पहले।
ये कोई छोटी मोटी ये ब्लेसिंग नहीं है महाराज की, जब हमें सेवा में रखते हैं महाराज तो पता नहीं कितने हमारा हमारे कष्ट कटते हैं, कितना हमारा कल्याण होता है, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मतलब बड़े कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं, कर्म करते हैं हमारे। तो इस हिसाब से अंकल मैं यही चाहूंगा सत्संग बहुत ज्यादा विश्वास कीजिए, मैंने सबके नोट कर रखे, पर मैं चाहूंगा कि मेरी आंटी अब सत्संग करे। जिस हिसाब से हमारा कल्याण हो रहा है अंकल, मैं गुरु महाराज से यही अरदास करता हूँ कि पूरी संगत का इतना कल्याण करो, पूरे संसार पे इतनी दया करो, आप तो ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, मतलब कुछ कुछ चीज है ही नहीं जो आपसे दूर हो। हाँ एक चीज मैं पहले ही कहना चाहता था और वो आज अचानक अभी अचानक याद आ गई, मैं माफी चाहूंगा दोबारा आपको सॉरी करने के लिए। संगत जी हमारे गुरु जी सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है, सर्व ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, इनसे ब्रह्मांड इसमें कुछ भी नहीं छुपा हुआ, जो चाहे जिसके लिए चाहे जब चाहे कर सकते हैं। और सच्चाई तो यह कि इनका अवतरण ही पृथ्वी के ऊपर सारी जनता का, हमारी संगत का, सबका कल्याण करने के लिए हुआ, और पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों संगत का महाराज ने कल्याण किया। लेकिन प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाते, प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाते, और ऐसा कभी नहीं करते कि आज तो आपका कल्याण कर दिया और बाद में आपको भुगतना पड़े। दैट मीन्स आपके पूरे पूरे कष्टों का निवारण यही करते हैं, इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपके कष्ट आगे ना जाएं, आपके बुरे कर्म आगे ना जाएं, और आपका सब कुछ यहीं पर हिसाब किताब हो जाए। और इस हिसाब से अगर किसी भी संगत का कभी कोई कमी रह जाए तो आप ये विश्वास कीजिए कि ये महाराज ने आपके लिए अच्छा किया है, नहीं तो अगर ये अभी तो आपका कल्याण हुआ था, बाद में आपको उसको वो कैरी फॉरवर्ड हुआ था और भुगतना पड़ता। तो इसलिए कुछ मतलब महाराज के प्रति तो पूरा ही अपना सरेंडर रखिए कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनकी रजा में हमें राजी रहना है, और उसी में हमारा कल्याण है, और उसी में हमें रहना चाहिए सिर झुका करके। गुरु महाराज अपने संगत को बहुत प्यार करते हैं, जैसा अभी आंटी ने बोला था, अनंत का प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ इतना तो हमारे घर में कोई किसी को करता ही नहीं, जो बिना किसी मतलब के हर दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। तो मेरी सब संगत से यही अनुरोध है कि महाराज के चरणों में झुके रहो, और जितना इनमें इनके चरणों पड़े रहोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी की।